हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक फिर मौलाना तारिक जमील जी का एक वीडियो लेके आया हूँ। उनका बयान है मौत, मौत के ऊपर एक बयान है। तो वीडियो सजेस्ट की गई थी, लिंक भेजी थी, तो मैंने देखी है। वीडियो बहुत अच्छी है और इनके वीडियो जब जब नया वीडियो आता है इनका, तो कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल जाता है। तो देखते हैं वीडियो, और इनके ओरिजिनल चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। उसको उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहले, और बाद में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा, हर एक लेके क्या क्या ना हसरत से धारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, टुक हिरस हवस को छोड़ मियाँ, मत देश बदेश फिरे मारा, कज़ाक अजल का लूटे है, कज़ाक डाकू, पुरानी उर्दू है, पुरानी उर्दू, कज़ाक डाकू, अजल मौत वगैरह, कज़ाक अजल का लूटे है, दिन रात बजा कर नक्कारा, दुनिया के डाकू तो छुप के आते हैं ना, और ये डाकू खुल के आता है और डंके की चोट पे आता है, ऐलान करके आता है, आ रहा हूं आ रहा हूं। क्या बदिया भैंसा बैल शुतर, क्या गोनी पल्ला सर भारा, क्या गेहूं चावल मोठ मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। उठते जनाजे देखो, लंबी पनामा की बिल्डिंग ना देखो, यहाँ के मॉल मॉल ना देखो, शॉपिंग मॉल ना देखो, यहाँ के शॉपिंग सेंटर ना देखो, यहाँ की टूटी कब्रें देखो, शिकस्ता कब्रें देखो, जिन पर आज फातिहा पढ़ने वाला भी कोई नहीं है। तो भाइयों, ये अल्लाह ने जवाब दिया है कि कायनात का मालिक अल्लाह है, कोई शरीक है ला शरीक लहू, कोई वजीर है ला वजीर लहू, कोई मिसल है ला मिसल लहू, कोई मिसाल है ला मिसाल लहू, कोई मुकाबिल में है ला निद लहू, कोई टक्कर में है ला दिद लहू, कोई हमसर है हल तालम लहू, समिया अल गनी ला गहीर लहू, अल अलीश ला समिया लहू, ला 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 ला, हर तरफ तो अल्लाह ने ला ला के साथ कायनात को जेरो जबर कर दिया है कि जो है अल्लाह है, अल्लाह के सिवा हर शय ला है, जो ला कहा वो ला हुआ, वो ला भी उसमें ला हुआ, जुज ला हुआ कुल ला हुआ, फिर क्या हुआ अल्लाह हुआ। मेरे भाइयों, पनामा में रहो, मक्का में रहो, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह को पहचानो, जिसने पैदा किया, जो मौत देता है, मौत क्या है, मौत क्या है, तो अल्लाह ताला जवाब देता है, यही व यमीत, मैं जिंदगी देता हूँ, मैं मौत देता हूँ। कैसे मौत देता है, ये तो अल्लाह ने बता दिया एक इजमाली तरीके पर, मुख्तसर मुख्तसर बताया, यही व यमीत, मैं मौत देता हूँ, मैं जिंदगी देता हूँ, कैसे देता है, الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها, मौत कैसे आती है, तो अगर मैं तुम्हारे जिस्म में से रूह को निकाल लेता हूं, मौत आ जाती है। जिस्म से रूह को निकालने वाला अल्लाह है, فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين। रोजाना तुम देखते हो मैं रूह को हलक में लाता हूँ, जिसम बेजान करता हूँ, डॉक्टरों की टीमों पर सर तोड़ के लगी हुई है और उसको बचाने की सारी कोशिश हो रही है, और मेरा अमर आ चुका, रूह निकालो, तो मैं निकाल रहा हूँ, तुम लौटा के दिखाओ, मारने वाला अल्लाह है। मौत के बाद फिर क्या होगा, मौत के बाद क्या होगा, ये जवाब भी अल्लाह ने दिया है। मौत के बाद क्या होगा, एक बहुत बड़ा तबका कहता कुछ भी नहीं होगा, मर गए मिट्टी हो गए, أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً। जो कभी कोई कब्र से निकल के आया कि पानामा में कब्र फटी और आदमी निकल के बाहर आ गया, कौन आया है,
आज तक कोई नहीं आया, हम भी मर के वापस नहीं आएंगे। जब हड्डियां भी चूरा चूरा हो गई, बिल्कुल सुरमा हो गई, अब इसे कौन जिंदा करेगा। आसमान वायल आया हमारे नबी के पास और उसके हाथ में पुरानी हड्डी बिल्कुल नरम हो गई, तो उसने आपके सामने हड्डी को ऐसे मसला ऐसे, तो वो बिल्कुल सुरमा बन गई, तो उसको फूंक मारी तो हवा में उड़ गई। तो वो कहने लगा, ए मोहम्मद, तेरा रब इसे जिंदा करेगा, तेरा रब इसे जिंदा करेगा। तो अल्लाह ताला ने फौरन जिब्रील उतारा, कहा इसका वक्त को बता, अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन फइज़ा हुवा खसीमुन मुबीन, देखो इसको जिसको मैंने गंदे पानी से बनाया आज मुझसे झगड़ा कर रहा है। वदारब लना मसलन व नसी खलका قال من يحيي العظام وهي رميم, और मुझसे दलीलें मांगता है और मुझे मिसालें देता है और मुझे कहता है इस पुरानी हड्डी को कौन जिंदा करेगा जो सुरमा बन गई। قل يحييها الذي انشأها اول مره, बताओ मेरे हबीब के इसे वो जिंदा करेगा जिसने इसे बनाया और पैदा किया था। वह بكل خلق عليم, हर مخلوق पर उसकी नजर है, अंधेरा उजाला बराबर है, ऊपर नीचे बराबर है, जमीन का अंदर जमीन का ऊपर बराबर है, समंदर के ऊपर समंदर के नीचे बराबर है। 800 मीटर के बाद सूरज की रोशनी समंदर के अंदर सफर नहीं कर सकती, 800 मीटर के बाद नीचे अंधेरा है, काली रात है, ऊपर 12 बजे का सूरज है और आसमान साफ है और चमकती धूप है, और समंदर में 800 मीटर के बाद अंधेरा है, अंधेरा है, और उसमें खरब हा खरब मिलियन ट्रिलियन अल्लाह मछलियों को पैदा भी करता है, जिंदगी भी देता है, रिस्क भी देता है, मौत भी देता है, गिजा भी पहुंचाता है, किसी एक से एक लम्हे के लिए मेरा रब गाफिल नहीं है। ला यअज़ब अन रब्बक मिन मिस्क़ाल ज़र्रा, एक जर्रे से एक जर्रा भी तेरे रब की नजर से छुप नहीं सकता। अयनमा तकूनू यातिबकुम अल्लाह जमीअ, जिधर जाते हो चले जाओ अल्लाह खींच के वापस लाएगा, अपने सामने खड़ा करेगा। तो मौत के बाद क्या है, मैं मुख्तसर हर चीज का जवाब कुरान से दे रहा हूँ। मौत के बाद क्या है, तो मेरा रब कहता है यौमन सय्यरुल जिबाल, मेरा रब कहता है पहले एक है तारिक जमील की मौत और एक है कुल कायनात की मौत, अभी मारता हूँ एक एक को और एक दिन मारूंगा सबको। वो क्या है, इदा वकअतिल वाकिआ, उसने होना है, लैसा लवकअतिहा काज़िबा, उसे रोक कोई नहीं सकता, उसे झुठला कोई नहीं सकता, खाफिदतुर राफिआ, कुछ ऊंचे कुछ नीचे, कैसे होगा, इदा रुज्जतिल अर्दु रज्जा, जमीन में जलजला, वबुस्सतिल जिबालु बस्सा, फकानत हबाअन मुनबस्सा, और पहाड़ थर थराए कप कपाए और रेजा रेजा हो गए, ये एक दिन आने वाला है। यौम तशक्कक अस्समा, आसमान फटेगा, इदस समा उनफतरत व इदल कवाकिब उनतफरत व इदल बिहार फुज्जरत व इदल कुबूर बुअसरत, हर शय उखड़ गई, हर शय को उखाड़ पछाड़ दिया, इदस शम्स कुवरत, सूरज, व इदन नुजूम कदरत, सितारे, व इदल जिबालु सुयरत, पहाड़, वैदल इशारु उत्तल, जानवर, वैदल बिहारु सुजरत, ये तुम्हारा दो समंदर, ये सब मेरा रब कहता है मिटा दूंगा, खत्म कर दूंगा, कुछ बाकी नहीं छोड़ूंगा। कुल्लु मन अलैहा फान, हर शय को फना है, वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, एक तेरे रब को बका है, बाकी सबको मौत है, सबको मौत देकर फिर अल्लाह मलकुल मौत से पूछेगा, मौत के फरिश्ते से, कौन बाकी है। हालांकि अल्लाह को पता कौन बाकी, जमीन वाले मर गए, आसमान वाले मर गए, पीछे रह गए चार फरिश्ते जिन्होंने अर्श को पकड़ा हुआ है, और चार फरिश्ते जो अल्लाह के मुकर्रब हैं, तो अल्लाह ताला पूछेगा कौन बाकी, कहेगा या अल्लाह भाई ये फरिश्ते बाकी हैं, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अर्श के फरिश्तों को मौत दे दो, तो धड़म गिरेंगे अर्श के फरिश्ते, तो अल्लाह ताला कहेगा कौन बाकी, तो वो कहेंगे या अल्लाह ये जिब्रील मिकाईल इसराफील और तेरा गुलाम, तो अल्लाह ताला फरमाएगा जिब्रील मिकाईल मर जाएं, तो अल्लाह का अर्श बोल पड़ेगा, अर्श या अल्लाह जिब्रील मिकाईल को बचा लो, तो अल्लाह ताला फरमाएगा उसका फकत कतबतुल मौत अला मन काना तहत अर्शी, चुप हो जाओ मेरे अर्श के नीचे सबको मरना है। ये क्या दुनिया है, ये क्या दुनिया है,
किसके पीछे ईमान के सौदे हो रहे हैं, किसके पीछे झूठ बोल बोल के माल बेचे जा रहे हैं, किसके पीछे रिश्ते और नातों को तोड़ा जा रहा है, किसके पीछे भाई भाई से लड़ रहा है। ये क्या है, ये क्या धोखा है, ये धोखे का घर, ये मच्छर का पर, ये मकड़ी का जाला। गुजर जाओ इससे अपनी आखिरत का सामान तैयार करते हुए। पर लगाएगा कौन बाकी, कहेगा ये अल्लाह इसराफील और तेरा गुलाम। इसराफील के हाथ में वो सूर है जिसको फूंक रहा होगा, तो अल्लाह से कहेगा इसराफील मर जाए, वो गया इसराफील, और जो सूर था वो उड़कर जैसे ये फानू जाएंगे। सबकी रूह निकालने वाले की बारी आ गई, मुकाबले में है तो आओ आओ, मन कान अली शरीक अनफलिया थे, कोई मेरे मुकाबले है तो आओ आओ, कौन आए, सबको तो मौत दे चुका है। फिर अल्लाह जमीन आसमान को झटका देख, कहेगा अनल मलिक मैं बादशाह हूँ, फिर दूसरा झटका देगा, फिर कहेगा अनल कुद्दूस सलाम अल मोमिन, मैं हूँ कुद्दूस सलाम मोमिन, फिर तीसरा झटका देगा, फिर कहेगा अनल मुहैमिन अल अजीज अल जब्बार अल मुतकब्बर। फिर अल्लाह ताला कहेगा ऐन अल मुलूक बादशाह कहाँ है, ऐन अल जब्बारून जालिम कहाँ है, ऐन अल मुतकब्बरून तकब्बर करने वाले कहाँ हैं, लिमन अल मुल्क अल यौम आज बादशाह कौन है, कोई हो तो जवाब दे। फिर अल्लाह खुद कहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज अकेले अल्लाह की बादशाही है, अल्लाह की बादशाही है, अल्लाह की बादशाही है। तो बहुत ही अच्छा बयान था, और आपको कैसा लगा बताइए। तो इस बयान की बात कीजिए तो, लेकिन मौत मौत से तो सभी को डर लगता है, क्योंकि सभी को एक ना एक दिन तो अल्लाह के पास जाना ही है, और मौत सभी के नसीब में है, और मौत के बाद जन्नत में भी जाना है, ऐसी सभी की ख्वाहिश होती है। तो अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, और अच्छे और बुरे कर्म ऐसे तराजू पे तोलने चाहिए, और जो कि अच्छे कर्म वाला पाटा है वो ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा अच्छे कर्म करने चाहिए। और अल्लाह सब के कर्म भी देख रहा है, सब देख रहा है, तो हमें अल्लाह से भी झूठ नहीं बोलना है और अच्छे कर्म करते रहना है। तो यही था आज की वीडियो में। तो मौलाना तारिक जमील जी की हर वीडियो बहुत अच्छी होती है, बहुत ही इंस्पायरिंग होती है, और उन्होंने आखिर में लास्ट में ये भी बताया कि मौत तो सभी को आने वाली है, एक ना एक दिन कयामत भी आएगी, लेकिन जो हमें मौत देते हैं, मौत के फरिश्ते, उनका भी एक बताया किस्सा कि वो भी कांपेंगे, और मौत मतलब ऐसी होती है, और मुझे तो सुनकर भी मतलब ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाला और किस्सा था। और आजकल की जो लोग है सभी पैसों के पीछे भाग रहे हैं, सभी क्या बोलते अलग अलग तरीके से रॉन्ग वे कह सकते हैं हम, कि गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं कुछ लोग। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दो वक्त की रोटी से लेकिन अपनी मेहनत की कमा कर खानी चाहिए, और बाद में सभी को तो जाना ही है अल्लाह के पास, लेकिन आजकल सभी पैसों के पीछे भाग रहे हैं। और जो नबी थे अल्लाह के नबी, तो उन्होंने ऐसा तो कभी नहीं सोचा, वो तो कभी पैसों के पीछे भागे नहीं। नबी ने भी मतलब उनका दिल ही साफ था, और उन्होंने ऐसे कुछ क्योंकि वो नबी थे अल्लाह के, उनके दिल फरिश्ते ने साफ किया था। और जैसा कि हमें पता है लोग पैसों के पीछे भागते हैं गलत तरीके से, तो ऐसा उन्होंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन वो बहुत ही आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे। तो ऐसा ही करना चाहिए सभी को, और उनके रूल्स फॉलो करने चाहिए, और सभी को एक ना एक दिन तो अल्लाह के पास जाना है। तो सभी, और एक वीडियो में भी बताया कि भाई भाई से लड़ रहा है, और ऐसे पैसों के लिए ये सब, और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बहुत अच्छा संदेश दिया इस वीडियो से, और उनके वीडियो बहुत अच्छे होते हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो अगले वीडियो में मिलते हैं।